हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बस मैं नहा के निकली थी और ये देखिए, तो मैंने सोचा मैं एक देर कपड़े को लपेट लेती हूँ। और जो भी चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए। और अभी देखिए टाइम हो रहा है 11 बजने में, कुल 10 मिनट है। तो मुझे काम करते करते और ये टाइम हो जाता है, क्या करूँ? पर काम तो करना ही है। और ना ये देखिए, हस्बैंड की जेब से मिले हैं मुझे 12 रुपये। वैसे तो मैंने जब पैंट धो रही थी, धोने को लेके आई थी, तभी उसमें मिले थे 4000 के करीब। तो मैंने निकाल कर रख दी और अभी जब धोने लगी तो ये निकल के गए। चाहे मतलब कितने भी पैसे हों कितने भी नहीं हों, धोते टाइम निकलता है तो अच्छा लगता है। पर ऐसा नहीं है कि मेरे पास आज ही छोड़ दिए इसलिए निकले। 3-4 हज़ार तो उनकी जेब में इसलिए निकले थे कि वो घर गए थे तो वहां से आए इसलिए निकले थे, नहीं तो मेरे पास ही रहते हैं पैसे, उनके पास कुछ भी नहीं रहता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और ये देखिए, मैंने इधर 90 लाके रख ली थी। क्यों रख ली 90 लाके? कि पता नहीं कचड़ा वाला आ जाए या किसी का फोन आ जाए, डिलीवरी वाला आ जाए तो मुझे उठ के जाना पड़ेगा, तो सूट डाल नहीं पाऊंगी। तो इतनी देर में बस 90 डाल के चली जाऊंगी। तो बस नहा के आ गई थी, मंडे है और पूजा करनी है। और पहले सुखा लेती हूँ कपड़े, और कपड़े भी मतलब हालत खराब हो जाती है धोते धोते। ये देखिए इतनी जींस वगैरह, तो और धूप भी कितनी तेज है, बहुत ज्यादा। और जैसे जो हस्बैंड के कपड़े थे अपने, कुछ निकर बनियान पहने थे तो वो तो धो के चले गए थे और कुछ रह गए थे। तो चलिए पहले कपड़े सुखा देती। देखिए कपड़े वगैरह मैंने सुखा दिए हैं। बालों का हाल देखिए क्या हो रखा है। तो कंघी कर लेती हूँ, कंघी एक बार तो कर ली है, और सीरम लगा लेती हूँ क्योंकि गीले बालों में सीरम लगा लो बाल भी अच्छे रहते हैं, हल्के हल्के रहते हैं। और आवाज़ आ रही है थोड़ी सी इधर से कम। तो चलिए फिर सिंदूर बिंदी लगा के थोड़ा सा और पूजा करती हूँ, जब मिलती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, बहुत अच्छा वीडियो है, आगे देखते रहना, कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की। तो चलिए मिलती हूँ। तो ये देखिए इधर मैंने सिंदूर लगा लिया, बिंदी, लिपस्टिक। तो अभी करती हूँ पूजा, और मंडे का फास्ट रहती हूँ तो बस पूजा कर लेती हूँ। और सुबह वैसे 3-4 बार हो जाती है मेरे घर में पूजा। सुबह बेटा करता है, फिर ये करते हैं, फिर मैं करती हूँ, और मैं फिर जोत वगैरह जलती रहती है तो ऐसी पूजा कर देती हूँ। पर आज जलाई मैंने क्योंकि मुझे मंडे था व्रत, तो पूजा करनी थी। और आप लोग मतलब बताइए किस तरह से और क्या चेंजेस करूँ मैं वीडियो में कि जिससे ठीक चले। पता नहीं क्यों ऐसा चल रहा है। देखिए मेरी पूजा वगैरह हो गई है, और सच में घर में सिर्फ मैं ऐसी हूँ, इतना लेट हो जाता है, इतना लेट हो जाता है, फिर भी काम दिखाई नहीं देता किसी को। तो ये देखिए कि मैंने बनाया था मैंगो शेक, और ये पहली बार इस सीज़न में आम मेरे घर पहली बार आए हैं। तो ये खट्टे होते हैं आम, कुछ खरबूजे लाए, ये 2 केजी आम लेके आए। तो मैंने मैंगो 2 का मैंगो शेक बना लिया, और ये लोग पी के चले गए थे तो मैंने अपना रख दिया फ्रिज में। अभी पीती हूँ और पूजा वगैरह करके उसके बाद में। तो इधर दोपहर का टाइम था, और ये क्या मैंने तेल के लिए बोतल मंगाई थी कांच की, तो वही खोल के देख रही थी मैं। और सच में सब लोग चले जाते हैं और इतना काम होता है, इतना काम किसी को तो दिखता नहीं है, पर ना फिर भी क्या सुनने मिलता है कि मतलब इसका क्या काम है, काम ख़त्म ही नहीं होता। यही मतलब हर औरत के लिए यही ताना है, चाहे मायके में या ससुराल में, कि घर में क्या काम है। जब घर में काम करो ना 100 काम होते हैं। तो ये देखिए छोटी छोटी 4 जो डिब्बी सी हैं नमक वगैरह रखने की, अच्छी हैं, मतलब कांच इनका बहुत अच्छा है, हैवी हैं। और 2 ये बोतल हैं मेरे पास, स्टील की थी बोतल, पर स्टील की में क्या हुआ ना कि वो लीक होने लगी बोतल के इधर से, और एक बोतल खुद ही रखी रखी स्टील की चटक गई। तो बस मैंने ये वाली 2 बोतल मंगाई थी, और ये 500 ग्राम की है एक बोतल। ये कुप्पी सी जो आई थी तेल करने के लिए आई थी, अच्छी हैं ये,
देखती हूँ यूज करके, पर अभी मैंने एडिटिंग कर रही हूँ, यूज की हैं तो मतलब अच्छी हैं। जितना तेल निकालना चाहो उतना ही निकलेगा, फालतू का नहीं निकलेगा। इस तेल की बोतल में तेल रखा है भरा हुआ, और रखा ही रखा उसमें से निकल रहा है, लीक हो रही है। साफ़ करके भर के देख लिए, पता नहीं कहाँ से लीक हो रही है। मैंने सोचा चलिए कांच की मंगाती हूँ। और ये देखिए उस मंडे का ही सुबह का है ये, तो मैंने ये बाद में कर दिया है। तो इधर जो आम था मैं उसको छील के और मैंगो शेक बना रही थी। तो मॉर्निंग का कुछ इसी तरह से घर मेरा फैला हुआ पड़ा रहता है, पर इसको समेटना जो करता है ना उसी को दिखता है, समेटना कितना मुश्किल होता है। तो ये हैंड ग्राइंडर है और इससे चला लूँगी, और इसमें दूध डालती जाऊँगी जितना भी डालना है मुझे। और चीनी डाल लिया और आम है और दूध, बस यही। तो और जो इंसान मतलब साफ़ सफाई से करता है ना, जैसे खाने वाले होते हैं उनको सुबह सुबह बना के दे दो, वो खा के अपना छुट्टी हो जाते हैं, फिर तुम लगे रहो काम से, तो क्या काम दिखता है उनको? कुछ भी नहीं, कि कुछ भी काम नहीं है, बस हमने खाया, ख़त्म हो गया खाना पीना, बस इतना ही होता है। इतना नहीं होता भाई, बहुत काम होता है, बहुत काम सच में। तो ये देखिए मैं बेटे के टिफ़िन के लिए पराठे बना रही हूँ, उसे भी मैंगो शेक मैंने जल्दी से इसलिए बनाया कि उसे भी दे दूँगी पीने के लिए। और इधर अभी थोड़ी सी चाय रखी है, गर्मी में नुकसान करती देखती हूँ। और तो देखिए जल गया, पर इधर से उधर को मतलब मेरा ये रहता है कि एक काम नहीं रहता, कभी कुछ कभी कुछ किचन में, तो एक तरफ को ध्यान नहीं रहता, इतने काम रहते हैं सुबह सुबह कि बहुत ज़्यादा। तो बस हो गया है ये, और मॉर्निंग में इतनी फैल जाती है मेरी किचन के बहुत ज़्यादा बहुत। देखिए फिर इन्होंने उसमें आया नहीं तो मैंगो शेक, इसमें दूध डाला ज़्यादा तो इसमें बना दिया है भगोने में रख दिया है। चलिए उसका टिफ़िन पैक कर देती हूँ, उसको देती हूँ, और उसके बाद में ये पापा के लिए नाश्ता देती हूँ। तो सच में सबके लिए अलग अलग, पापा के लिए अलग बनाना पड़ता है बीमारी की वजह से, बेटा नहीं खाता प्याज वगैरह, उसके लिए हस्बैंड के लिए अलग, सबके लिए अलग। जिनका परिवार होता होगा ना वो परिवार में एक जगह ही बना देते होंगे, छुट्टी करते होंगे, पर मेरे परिवार नहीं है, फिर भी इतने चोचले हैं कि बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए इधर मैंने लौकी, मेरा तो मंडे का फर्स्ट था, इनका भी लौकी छील लिया। मैंने सोचा इसको छोंक के रख देती हूँ, तड़का इसमें बाद में लगाऊंगी। तेल दिया, जीरा दिया, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल के और बस छोंक के रख दूँगी, तड़का बाद में लगाऊंगी, नहीं तो फिर दोपहर में इतनी 12 बजे तो मेरा काम ख़त्म हो जाता है, फिर इतनी इल्लत हो जाती है बहुत ज़्यादा। लौकी को छील के और देखिए बना दिया। पापा के लिए मतलब लौकी वगैरह बताइए, पर वो नहीं खाते हैं तो फिर ऐसा ही जाता है, तो करना तो पड़ता ही है, खाओ या मत खाओ। तो ये देखिए मैंने लौकी में थोड़ा सा पानी दिया है और कच्ची हींग, ऊपर तड़का मैं नहीं डालती हूँ, मैं ऊपर से डालती हूँ, तो उसमें खुशबू भी अच्छी आती है और अच्छी लगती है। तो चलिए फिर बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना।